सुशांत सिंह राजपूत अब भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत को लेकर देश के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। खासकर बिहार में मौजूद सुशांत के लाखों फैंस उनकी यादों को संजोकर रखना चाहते हैं। अब सुशांत की यादों को संजोने के लिए भारतीय सब लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार आगे आए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में सुशांत के नाम से फिल्म सिटी बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। फणीश्वरनाथ रेणु की धरती पूर्णिया से निकलकर सुशांत सिंह राजपूत ने काबिलियत के दम पर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से सुशांत घिर गए जो शायद उनकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे थे। जिन परिस्थितियों में मुंबई में उनकी मौत हुई वो इतनी संदेहास्पद और रहस्यमय है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पूरे मामले की जांच करने का जिम्मा सीबीआई को देना पड़ गया। अब सीबीआई जांच से ही सुशांत की मौत की रात से पर्दा उठेगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की याद को संजोकर रखने का संकल्प भारतीय सब लोक पार्टी ने लिया है, और यही वजह है कि उनकी पुण्य स्मृति में फिल्म सिटी का निर्माण करने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में भारतीय सब लोक पार्टी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता राज्य के महान व्यक्तित्वों की जन्मस्थली से मिट्टी संग्रहित कर रही है। इसी के तहत समस्तीपुर के आरसी नगर एरौत गांव के महाकवि आरसी प्रसाद सिंह और करियन गांव से उद्यानाचार्य सहित समस्तीपुर के अन्य महापुरुषों की जन्मभूमि से कलश में मिट्टी संग्रहित की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय सब लोक पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन कुमार ठाकुर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की प्रेरणा ही ऐसी थी कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोजपा नेता विनय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं महाकवि आरसी प्रसाद सिंह के परिवार ने भी भाजपा के अध्यक्ष अरुण कुमार को बधाई दी। भाजपा के नेता विपिन कुमार ठाकुर ने अध्यक्ष अरुण कुमार ने सुशांत की यादों को संजोने का संकल्प लिया है और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस संकल्प को पूरा करने में जुटा हुआ है। बिहार के सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सांसद ने यह संकल्प लिया कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाएगा, जिसका जगह चयन सुल्तानगंज भागलपुर में किया गया। फिल्म सिटी के निर्माण कराने का उद्देश्य यह है कि बिहार के संस्कृति कला की प्रदर्शनी लोग बिहार में ही कर सकें, बाहर नहीं जाना पड़े, उनकी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े और वो सुरक्षित रहें। इस वजह से भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अरुण कुमार ने यह संकल्प लिया। उस कार्यक्रम में बिहार के कवि, महान कवि, महान संस्कृताचार्य, महान साहित्यिक लोगों के जन्म भूमि की मट्टी को सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है उसमें नेव के रूप में दिया जाएगा। वहीं लोजपा के नेता विनय कुमार सिंह ने अरुण कुमार के संकल्प की जमकर तारीफ की। कला को पुनर्जीवित करने के लिए सुशांत सिंह के नाम से सुल्तानगंज की पावन भूमि पर उसका एक फिल्म सिटी बनाएंगे, जहां यहां के बिहार के प्रतिभाओं का निखार होगा और यहां का लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि फिर सुशांत को ही लेकर फिर नए नए सुशांत बिहार से हमारी बच्चियां बच्चे विकसित होंगे। और यह जो पावन धरती है, यह तो एरोद में आरसी नगर कवि आरसी बाबू के नाम से सरकारी गजट में भी है, और इसके बगल में करियन है जहां हमारे संस्कृत के महान विद्वान उद्यानाचार्य की यह भूमि है, जिनकी किताबें हिंदुस्तान में तो कम और जर्मनी में भी अधिक पढ़ाई जाती है। आज उतने महान व्यक्ति हमारे उद्यानाचार्य की भूमि पर हैं। उसके बाद बलीपुर में सुरेंद्र झा सुमन जी, जो मैथिली के साहित्य के मूर्धन्य कवियों में से एक थे, आज हम उन सभी को नमन करने आए हैं और उनके घर की मिट्टी, और खासकर यह हमें खुशी है कि रोसड़ा और शिवाजी नगर की धरती से इस मिट्टी को फिल्म सिटी सुशांत सिंह के नाम से सुल्तानगंज में जा रहा है। यह एक गौरव की बात है और समस्तीपुर जिला में यह रोसड़ा और शिवाजी नगर का नाम सबसे ऊपर आएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार एक राजनेता होने के साथ साथ एक प्रगतिशील चिंतक भी हैं। सुशांत जैसे बड़े एक्टर की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। सुशांत के नाम पर सुल्तानगंज में फिल्म सिटी बनाना उनकी जिंदगी का एक बड़ा मिशन हो गया है। सुशांत के नाम से फिल्म सिटी के निर्माण का काम पूरा करने का वे संकल्प ले चुके हैं। उम्मीद है कि भाजपा अपने इस मिशन में पूरी तरह से सफल रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।